स्काई हॉट चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद रईस। जैसा कि आप देख रहे हैं, कासमपुर का मेला इस वक्त चल रहा है और आज 13 जनवरी 2024 है। ऐसा मानिए कि 2024 का ये शुरुआत, अभी पहला ही मेला है और मेला देखिए काफ़ी भर चुका है। मैंने कल भी वीडियो डाली थी आपको, पूरा मेले की भी दिखाई थी और नईम भाई की वीडियो डाली थी। तो मेले की बात करें तो कल के हिसाब से आज काफ़ी भर गया है और अभी कई दिन मेला चलेगा। और देखिए मेला कल भी भरने की उम्मीद है, क्योंकि अभी कुछ बता रहे हैं कि और गाड़ियाँ आ गई हैं, कुछ थोड़ा रोड की प्रॉब्लम से मतलब चक्का जाम की वजह से कुछ गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। घोड़ा खरीदा है हमारे भाई साहब हैं, उस्ताद ही हैं। जैसा कि आप कहते हैं कि आप व्यापारियों की और किसानों की वीडियो बनाते हैं लेकिन कभी खरीदार की वीडियो नहीं बनाते, तो उसी की डिमांड पर देखिए वीडियो बनाई जा रही है। चलिए जान लेते हैं, पप्पू भाई हैं हमारे, उस्ताद हैं, घोड़ों को भी ट्रेन करते हैं और अब एक घोड़ा खरीदा है। चलिए इन्हें मुबारकबाद देते हैं और जानते हैं पप्पू भाई से कि घोड़े के अंदर क्या खासियत देखी इन्होंने जो कि इन्हें घोड़े पसंद आया। चलिए पप्पू भाई से बात। और पप्पू भाई कैसे हाल चाल है? बस जी बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कब आए मेला? मेले को आए हुए 2-3 दिन रोज हो गए। 2-3 दिन हो गए, लेकिन जानवर आज मिला है? जी जी। अच्छा तो कुछ बेचने के लिए मिला है, बस खाली खरीदने के लिए? नहीं, खाली खरीदने के ही लिए आए थे। खरीदने के लिए आए थे। अच्छा चलिए बहुत बहुत मुबारक हो पप्पू भाई आपको कि आपने घोड़ा खरीदा। जी जी। चलिए पप्पू भाई इसकी एज बताइए, उम्र कितनी है इसकी घोड़े की? इसकी उम्र ऐसे करीब 15-16 महीने का बच्चा है ये। 15-16 महीने का बच्चा है। और हाइट कितनी हो गई होगी इस टाइम? हाइट इस टाइम एनी टाइम पर है करीब 58 इंच। 58 इंच। अच्छा। और मार्किंग की बात करें तो कितने पैर सफेद है इसके? 3 पैर सफेद है। हाँ, 3 पैर सफेद हैं। चंबे में आता है ये। अच्छा, लाल चंबा। लाल चंबा जी। अच्छा तो चाल वाल कितनी चलता है पप्पू? चाल अभी बच्चा है, थोड़ी 2-4 सवारियां हुई हैं, अच्छा 2-4 पैर मारने लगा है। अच्छा अच्छा जी। तो पप्पू भाई बताइए आपने क्या क्या खूबी लगी इसके जो आपने? ये होनहार पंजाब कोम का है, होनहार घोड़ा है। अच्छा अच्छा। और कदमबाजी के ही हिसाब से हमने इसको लिया है, चालबाज नस्ल है। अच्छा। चालबाज हाथ पैर है इसके। अच्छा अच्छा। इसलिए हमने इसको खरीदा है। अच्छा कौन सी नस्ल का है ये? पंजाब नस्ल का है। पंजाब नस्ल का। बाल भवरी का एकदम साफ है? बिल्कुल ओके जी। अच्छा चलिए व्यूअर्स आपको पहले चारों तरफ से घुमाकर दिखा देते हैं। देखिए एटीट्यूड खड़े होने का बच्चा और खुले कानों का बच्चा है। देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए स्वभाव का भी काफी तेज है। देखिए और अभी ये है खिला पिला के, और अभी सेहत तो काफी है लेकिन और ये है क्या डाइट वाइट थोड़ी अच्छी मिलेगी चालबाज के हिसाब से तो और बढ़िया हो जाएगा। ये देखिए सभी लोग भी हैं, सभी देखने के लिए आए हैं। तो पप्पू भाई और भी हैं क्या जानवर घर पे? हाँ जानवर हैं। कितने और हैं घर पे? अभी 2 और हैं। 2 और हैं। वो क्या है? एक बच्चा है, एक घोड़ी है। अच्छा अच्छा। तो ये अब आपने बस शौक के लिए है, अगर मान लो कोई सेल के लिए चाहे तो खरीद सकता है? ऐसा है, मेरा तो काम केवल उस्तादी का है, घोड़े फेरता हूँ मैं। अच्छा, अच्छा। टेंड करता हूँ इनको। जी जी। ये भैया हमारे मौलाना साहब हैं। जी जी। इनके ये जानवर हैं। अच्छा इन्होंने ही खरीदा। अच्छा, है ये खरीदा ये। जी। अच्छा क्या नाम है भाई साहब आपका? मुसाइद। कहाँ के रहने वाले हो? नंदोलिया। नंदोलिया। तो आपने खरीदा ये बच्चा? अच्छा चलिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको। चलिए पप्पू भाई जरा थोड़ा चलाकर दिखाइए इसे। जी जी। लेते हैं कोड़ा चला। खुश हो मत, चल बेटे। ये देखिए चल रहा है, अभी नाकन बच्चा है तो इसलिए थोड़ा मेले में आकर घोड़े थोड़े घबरा जाते हैं क्योंकि घोड़ों को और घोड़ियों को देखते हैं तो हेला बेटे रे घड़े बोल महसूस करते हैं। देखिए पैर वैर तो आप सही उठा रहा है। अच्छे पैरों से चलेगा। होश में रहे, होश में। बस ले आओ यहां से ये। बस बस यही रोक लो। चलिए देखिए बच्चा सही काम कर रहे हैं आप। जी जी। यही होन हारी पे ही लिया है ये। अच्छा अच्छा। तो कितना बढ़ जाएगा उम्मीद से आपकी एज? ये उम्मीद से मतलब हाइट में? नहीं नहीं मतलब चाल में। चाल में। हाँ। चाल में ये 40 भाग सकता है। 40 भाग सकता है आने वाले टाइम में, मतलब आने वाले टाइम। अच्छा, आने वाले फ्यूचर में आप देख रहे हैं इसको कि बच्चे के अंदर खूबी है। और देखिए तमाम में भीड़ लग गई है, काफी पब्लिक आ गई।
मुलाजी अभी बेचने का है इरादा, अगर कोई चाहे तो जैसे खरीदना? अच्छा देखिए, और भैया आप कहाँ से आए? क्या खरीदने के लिए आए थे, बेचने के लिए? खरीदने के लिए आए। कुछ खरीदा क्या? अभी नहीं खरीदा, अभी नहीं मिला आपको? भैया जी आप ले पकड़ना जरा, खरीदने के लिए आए? पकड़ना जरा, खरीदने के लिए आए। कुछ मिला क्या? अभी नहीं मिला, ले पकड़ी ले। कोई जानवर चाल बाज कोड़ो दे दी मुल्ला जी, मैं आ रहा हूं अभी हैं। अच्छा 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 भैया आप सवार हैं क्या? साठ वाटा लगे हुए हाथ में, सवार हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? जिला हरदोई। अच्छा तो मतलब घोड़े ट्रेन करने के लिए आए, कुछ खरीदने के लिए आए यहाँ पे? खरीदने के लिए। तो मिला नहीं क्या अभी आपको? नहीं अभी नहीं मिला। अच्छा भैया आप कहाँ से आए हैं? आप भी खरीदने के लिए आए हैं? अच्छा मतलब सजाने वगैरह का। अच्छा घोड़ों का जो सामान बेचते हैं। अच्छा भैया आप? हम तो यहीं बगल से ही भाई साहब, बोर भाई फरीदपुर। अच्छा तो आप मतलब खरीदने के पर्पस से आए हैं वैसे? बेचने खरीदने के पर्पस से। और चाचा जी आप? चाचा जी इधर देखिए। अच्छा अच्छा आपने, अच्छा आपका था ये बच्चा? अच्छा अच्छा तो बढ़िया बच्चा था आपने, आपको ये बच्चा बढ़िया था, अच्छा खिलाया पिलाया आपने। ठंड मानना है थोड़ा सा, चादर हाँ ठंडी हो रही है। और देखिए मुस्कुराने भैया जी, कैसे हाल चाल है? और मेला कैसे चला रही है बताइए? बढ़िया चल रहा है। कुछ खरीदा है बेचा? घोड़े लेके आए। व्यापारी आप? अच्छा तो बिके ना कुछ अभी? खोल दो घोड़े। कितने लाए थे? कहाँ के रहने वाले भाई साहब? अच्छा भाई आ रहा है वो हमारे। अच्छा और भैया जी क्या हाल है? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी मुस्कुरा रहे। कहाँ से आए? बहेड़ी से। बहेड़ी से जी। घोड़ा खरीदने के लिए आए बेचने के लिए? हम तो जी दुकान लेके आए। अच्छा दुकान का? अच्छा आप दोनों साथ ही हैं? हाँ, अच्छा तो ये बताइए कैसा चल रहा है सामान? बढ़िया बिक रहा? ठीक बिक रहा। अच्छा अच्छा तो कब आ गए थे आप? हम आए थे बुध वाले दिन, यानी 9 तारीख को। 9 तारीख को। अभी कितने दिन और चलेगा मेला? लमसम ये चलेगा 20 तक तो चलेगा। 20 तक चलेगा? 20 तक चलेगा। हाँ तो जो भी आना चाहता है देखिए आ सकते हैं मेले, अभी बता रहे हैं कि 20 तारीख तक और चलेगा। चलिए नंबर बताइए अपना, अगर जैसे मान लो कोई अगर सेल के लिए चाहे तो अपना घोड़ा खरीदना। अभी इनका नंबर आप ही बता दो। 93 जी 056 जी जी 370 जी 41। अच्छा चलिए व्यूअर्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए वीडियो में। चलिए उम्मीद करते हैं कि बस आप सभी दोस्तों का व्यापार इसी तरह बना रहे। और ये देखिए छोटू आज तो घोड़े पे बैठ गए, मजा आ गया है।